अस्सलाम वालेकुम यारो, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि YouTube आपको 1000 व्यूज़ पर या फिर 2000 व्यूज़ पर कितने डॉलर्स पे करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि 5000 व्यूज़ पर YouTube कितने डॉलर्स पे करता है। मैं यहाँ पे आपको कोई स्क्रीनशॉट दिखाने नहीं जा रहा, बल्कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर जाके कि मैं यूट्यूब से 1000 डॉलर पर या फिर 2000 डॉलर पर कितनी अर्निंग करता हूँ। YouTube पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जी YouTube आपको 5000 व्यूज़ पर 1 डॉलर पे करता है, कोई कहता है 1000 व्यूज़ पर 1 डॉलर पे करता है, और कोई कहता है 3 से 4 हज़ार व्यूज़ पर 1 डॉलर मिलता है। तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि YouTube कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर्स पे करता है, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ आप तक वो पहुँच जाए। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अपनी अर्निंग्स दिखाने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने YouTube स्टूडियो में। यहाँ से चला जाता हूँ मैं एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली कि मेरी YouTube से कितनी अर्निंग्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा सकूँ लास्ट 28 डेज, आखिरी महीने यानी कि इस अप्रैल के महीने में मेरी कितनी अर्निंग हुई है और मेरे कितने व्यूज़, अगर आप यहाँ पर देख सकें क्लियरली 4100 व्यूज़ मुझे मिले हैं, यानी कि 4000 व्यूज़, यूँ मान लीजिए 4000 व्यूज़ मिले हैं और इस पर मेरी अर्निंग हुई है 2.74 डॉलर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 4100 को आप 2.74 पर जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा तकरीबन 1496, यानी कि 1500 व्यूज़ पर आपको 1 डॉलर जा बनेगा। लेकिन रुकिए, हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको 1500 व्यूज़ पर 1 डॉलर मिले, कभी इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, असल चीज़ तो अभी बाकी रहती है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, यहाँ से हम मैं इसको आपको कस्टम करके दिखाता हूँ और आपको पिछले महीने की अपनी अर्निंग दिखाता हूँ कि पिछले महीने मुझे कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर मिले। अगर यहाँ से मैं इस डेट को सिलेक्ट कर लूँ जी 1 मार्च, और यहाँ से मैं इसको मार्च सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 29 मार्च, और यहाँ से मैं मार्च को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ 1 मार्च से 29 मार्च, यानी कि पिछले मंथ में मार्च के महीने में मेरी कितनी अर्निंग हुई। यहाँ से अगर आप देखें तो व्यूज़ आए 2.1K, 2000 यानी कि 2100 व्यूज़ आए, लेकिन डॉलर बने 2.51। यहाँ से अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 2000 व्यूज़ पर मुझे 2.5 यानी कि 2.5 डॉलर मिल गए, यानी कि 1000 व्यूज़ के ऊपर 1 डॉलर से भी ज़्यादा मिला है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 836 व्यूज़ पर 1 डॉलर मिल रहा है, यानी कि 1000 से कम व्यूज़ पर भी आपको 1 डॉलर मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको एक और चीज़ अभी दिखाता हूँ यहाँ से। अब इसको दोबारा कस्टम करके मैं आपको फरवरी की अर्निंग दिखाऊँ अपनी। तो यहाँ से आपने इसको कस्टम में जाके सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको चेंज कर देना है फरवरी, 1 फरवरी, यहाँ से मैं इसको 2nd मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से 29 फरवरी तक। तो क्योंकि इस साल 29 डेज थे फरवरी में, तो इसको करता हूँ मैं अप्लाई। तो यहाँ से आप अप्लाई करने के बाद देखें तो 1.9K व्यूज़, 1900 व्यूज़ आए, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लाइव देख सकते हैं। तो 1900 व्यूज़ आए हैं मुझे, और यहाँ पे देखें 3.26 डॉलर, यानी कि 1.5 डॉलर से भी ज़्यादा, तकरीबन 1.6 डॉलर से भी ज़्यादा आपको 1000 व्यूज़ के ऊपर मिल रहे हैं, और शायद 1000 व्यूज़ भी पूरे नहीं हैं तब भी आपको 1.6 डॉलर से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इस तरह नहीं होता कि आपको हर मंथ सेम अर्निंग हो। अब इसका रीज़न क्या है, इसमें है कि काफ़ी बार हम कुछ ऐसी वीडियोज़ पोस्ट करते हैं जिसके ऊपर एड्स ज़्यादा आती हैं, अर्निंग ज़्यादा आती है, किसी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर यूट्यूब महंगे एड्स लगाता है और ज़्यादा एड्स लगाता है। अब वो कौन से टॉपिक है, इस पर हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको एड्स ज़्यादा आएंगी और आपकी अर्निंग होगी, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, बहुत से आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ मिलती हैं, कुछ चैनल ऐसे होते हैं, मैंने अपनी आंखों से बहुत से अपने दोस्तों के चैनल देखे हैं जहाँ पे एक है जिसको 50,000 डेली के व्यूज़ आते हैं अपने चैनल पर, और एक है जिसको 20,000 डेली व्यूज़ आते हैं। अब जो 50,000 डेली व्यूज़ आते हैं तो 1000 व्यूज़ के 1 डॉलर के हिसाब से उसको तो 50 डॉलर बनने चाहिए डेली के, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है ये भी मैं बताता हूँ आपको। अब जिसको 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं उसके तो 50 डॉलर बनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके चैनल पर बन रहे हैं 10 से 15 डॉलर। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10 से 15 डॉलर। अब इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ अभी। और जो दूसरा 20,000 जिसके व्यूज़ आते हैं उसके भी बन रहे हैं 10 से 15 डॉलर, यानी कि 20,000 व्यूज़ पर भी आपको 10 से 15 डॉलर मिल रहे हैं और 50,000 व्यूज पे भी 10 से 15 डॉलर मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? और अगर हम उनके कंटेंट की बात करें तो वो भी सेम टाइप ऑफ टेक चैनल हैं उनके, और सेम टाइप की वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह डालते हैं, तो इस टाइप की उनकी वीडियोज भी सेम होती हैं और कॉन्टेंट सेम किस्म का, फिर उनकी एड्स भी सेम होनी चाहिए। अब वीडियो सेम है तो कैटेगरी सेम है तो उस पर एड सेम लगने चाहिए, या उनकी
इनकम जो है आसपास होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यूट्यूब पे आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस मिलेंगे जो आपको बताएंगे जी 1000 व्यूज पे इतने डॉलर, 5000 व्यूज पे इतने डॉलर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। हर कोई आपको अंदाजे से बताता है जी आप इस तरह से करें, ये चीज पोस्ट करें आपको ज्यादा मिलेगा, वो चीज पोस्ट करें आपको ज्यादा, ऐसा हरगिज नहीं है। दो ऐसे चैनल जो बिल्कुल सेम कैटेगरी के हैं, जो सेम टाइप की वीडियोस पोस्ट करते हैं और उनके व्यूज में फर्क है और इनकम में फर्क नहीं है। अब एक के बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं उसकी इनकम कम है, एक के कम व्यूज आ रहे हैं इनकम ज्यादा। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, यूट्यूब जिसको चाहता है ज्यादा इनकम देता है, जिसको चाहता है कम देता है। तो इस चीज पे आप कोई भी अपने चैनल पे आप जो भी कर लेना, आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते, ये यूट्यूब की मर्जी होगी। हाँ आप इस चीज को थोड़ा बेहतर जरूर कर सकते हैं, मैं ये कहूंगा कि आप एडवर्टाइजर फ्रेंडली कॉन्टेंट बनाकर उस चीज को इंप्रूव जरूर कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि आप 50,000 व्यूज पे $50 लें या इस तरह। यूट्यूब जिस चैनल पर चाहता है उसका एल्गोरिदम ही इस तरह से है, अपनी मर्जी से वो एड्स लगाते हैं तो उन एड्स के हिसाब से ही उस चैनल की इनकम सेट होती है। तो इस तरह से आपने देख लिया, यूट्यूब आपको 1000 व्यूज पर इजीली $1 दे देता है। इस मंथ की इनकम थोड़ी सी कम है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एड्स थोड़ी कम चल रही हैं, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो आपको 1000 व्यूज पर $1 मिल जाता है और कभी कभी 1000 से कम व्यूज पर आपको $1 से भी ज्यादा मिल जाता है। और कुछ वीडियोस तो ऐसी होती हैं जिन पे 5,000 व्यूज पर भी $1 नहीं मिलता, ये भी बात सच है, लेकिन वो हर केस में ऐसा नहीं होता, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके चैनल पर किस हिसाब से इनकम हो रही है, आपको कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर्स मिल रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।